भारतीय जनता पार्टी से और क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है जो कुछ नहीं है, न तो जनता की बात सुनना है, न नौजवानों की बात सुनना है, न व्यापारियों की बात सुनना है। प्रदीप साग जो बने हैं आप पे बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के अंदर जिला कमेटी का गठन और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दे देंगे और ये सभी हमारे कार्यकर्ता बूथ कमेटियाँ बना करके 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आपने कहा कि हम लोग रामचरितमानस को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं। एनसीईआरटी ने सिफारिश की है कि पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाए, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ अपना अपनी तरीके से, न उन्हें देश की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश और प्रदेश की जनता की चिंता है। देखिए, सभी वर्ग के लोग, किसान तो परेशान, नौजवान तो परेशान है। बताइए, संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे, क्या 10,000-12,000 में उनका परिवार चल जाए? महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बिजली से में तो भ्रष्टाचार, तहसीलों में तो भ्रष्टाचार, थानों में तो फिर भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालय में तो भ्रष्टाचार, और पूरा प्रदेश कुछ नौकरशाही के हवाले चल रहा। जन प्रतिनिधियों का कोई संविधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जिस तरह से हलाला को लेकर के जो बैन करने की बात आई सरकार ने, कि जो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, छापेमारी भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और क्या उम्मीद है? यही उम्मीद है जो कुछ नहीं है, न तो जनता की बात सुनना है, न नौजवानों की बात सुनना है, न व्यापारियों की बात सुनना है, किसी जो देखिए कुछ कर नहीं रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के और मुस्लिम के नाम पर, बस यही काम करना है। न जनता को चिंता है, न देश विदेश की चिंता है, किसी की इनको चिंता नहीं है। केवल सत्ता में आए और इनको बस सत्ता में किस तरीके से आए, कभी ईडी, कभी सीबीआई, बस इसी के नाम पर सबको डराने धमकाने धमका कर सत्ता में रहने, काम कुछ भी नहीं करना। उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए थे, आज निकाले जा रहे हैं, किस तरह की उनके स्वास्थ्य की कामना? देखिए, हम तो चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो मजदूर जो फंसे हैं वो जल्दी सुरक्षित आए, सुरक्षित निकाले जाएं और सुरक्षित रहें। आखिरी सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री का दौरा है आज, मथुरा आ रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे?